श्रीमद् गीता के अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग का श्लोक 5 देखते हैं। पहला चरण, यहाँ पर भगवान श्लोक बोलेंगे। श्री भग श्री श्रीकर शाधा रपुरा, जिसको राइट साइड में क्लियर लिख रखा है। श्री भग दोनों अक्षर पूरी दोनों में अमिक्स करना है। भग वानु नु में छोटे उ की मात्रा, वाच च में अमिक्स किया। श्री भगवान वाच, पहला चरण प प के साथ आदर्श है। पश य में अमिक्स किया। पश्य में पार्थ, थ के ऊपर आधार, र पा के साथ आधार लेंगे। पार्थ रूप है, बड़े ऊ की मात्रा है, इसको भी राइट साइड में क्लियर कर रखा है। र प्लस बड़ा ऊ, बड़े रू के होने के कारण आपको मात्रा को लंबा खींचना। रूपाणी, पहला चरण रिपीट। पश्य में पार्थ रूपाणी। सेकेंड चरण शत, दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करेंगे। शत शो, शो के बाद में है अवग्रह, अवग्रह में आपको शो की मात्रा को लंबा खींचना है। शत शो थ, थ में अमिक्स किया, ठीक है। आगे सह, दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स किया। सह, फिर लिखा हुआ स्र, ठीक है। स्र का अर्थ हुआ आधा स और र पूरा, तो आधे स को ह के साथ पढ़ दीजिए। सहस, सहस हंसना, हंसना वाला होता ना वो हस है, तो सहस्र और श पूरा सहस्र श। शमी अ की मात्रा, तो विसर्ग को पढ़ना है। सेकंड चरण रिपीट। शता शो थ सहस्र श, पहला और दूसरा चरण साथ में। पश्यमि पार्थ रूपाणि, शता शो थ सहस्र श। तीसरा चरण नाना, बिल्कुल सिंपल शब्द। विधानी, बिल्कुल सिंपल, दोनों मात्राएं छोटी। दी के साथ आधा वर्ध्य, आप व आधे को या के साथ में भी पढ़ सकते हो, जैसे आपको सूटेबल हो। दी आधे व को या के साथ दिव्यानी, दिव्यानी। तीसरा चरण रिपीट। नाना विधानी दिव्यानी। चौथा चरण नाना, फिर ना के ऊपर आधे र की मात्रा, व के साथ आधा र पढ़ेंगे। वर्णा वर्णा, फिर क के नीचे री की मात्रा, इसको राइट साइड में दिखा रखा है। क्री मतलब हुआ क आधा और री ऋषि की मात्रा, क्री के आर आई, क्री तीनी। देखो इसमें मात्रा का ध्यान रखना है, ती की मात्रा बड़ी है और नी की छोटी, तो कृतीनी है ना। अगर आपको पहली मात्रा खींचनी है तो पहले लंबा खींच लो। कृति कृतीनी, कृतीनी। च में मिक्स किया। च, चौथा चरण रिपीट। नाना वर्णा कृति निच, तीसरा और चौथा चरण साथ में। नाना विधानी दिव्यानी, नाना वर्णा कृति निच, पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। पश्य मे पार्थ रूपाणी, शत शोथ सहस्रशः, नाना विधानी दिव्यानी, नाना वर्णा कृतीनि च। एक बार वापस। श्री भगवान वाच। पश्यमि पार्थ रूपाणि, शत शोथ सहस्रशः, नाना विधानी दिव्यानि, नाना वर्णा कृतीनि च। श्लोक का अर्थ देखते हैं। श्री भगवान वाच यानी श्री भगवान बोले। पश्च देखकर, मे मेरे, पश्य मे पार्थ ही अर्जुन, पार्थ अर्जुन का नाम। रूपाणी, रूपाणी यानी रूप को। पश्य मे पार्थ रूपाणी। शतशोथ, शतशोथ में यहाँ पर कितने शब्द है? शतश यानी सैकड़ों, शत यानी होता है 100, तो सैकड़ों। शतश और अथ सहस्रशः, सहस्रश यानी हजारों। नाना विधानी, नाना यानी अनेक, विधान यानी प्रकार, अनेक प्रकार के। नाना वर्णा कृतिनी, इसमें वर्ण और आकृति ये दो शब्द जुड़ गए हैं। वर्णा कृतिनी, वर्ण धन आकृति, तो नाना यानी अनेक प्रकार के, वर्ण यानी रंग और कृतिनी यानी आकृति, ठीक है। आगे देखेंगे। च यानी और, दिव्यानी यानी दिव्य, तो पूरा अर्थ क्या निकला? श्री भगवान बोले, ये प्रथानंदन मतलब प्रथा के पुत्र अर्जुन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों रंगों और आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों
अलौकिक रूपों, रूपाणी रूपों को पश्य, देखो। ठीक है, भगवान अब बोले, क्योंकि जब अर्जुन ने ये इच्छा प्रकट की कि हे भगवान मुझे आपके उस अविनाशी स्वरूप को दिखा दीजिए, तो भगवान उन्हें बोलते हैं कि मेरे अनेक वर्ण, अनेक आकृति और अनेक तरह के जो प्रकार हैं उनको अब तुम देखो। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, ये मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, नारायण नारायण।